इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री। तो दोस्तों, मोदी जी ने आज चाइनीज ऐप जितने भी थे उनमें से 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया से चलता कर दिया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चाइनीज ऐप्स को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री। आशीष चंचलानी की माने तो उनके हिसाब से सिर्फ एक ही आदमी है जिसके लिए 2020 बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है और गुजर भी रहा है, तो उसका नाम है कैरी मिनाटी। तो कैरी मिनाटी जो है उनका एक वीडियो डिलीट हुआ और उन्होंने तो पूरा प्लेटफॉर्म ही डिलीट करवा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था पूरे वर्ल्ड में, जितने भी चाइनीज ऐप थे 59 चाइनीज ऐप्स को डिलीट किया गया है। उसके बाद इंडिया के ऊपर क्या उसका इफेक्ट होने वाला है और उसके अलावा हम देखेंगे चाइनीज गवर्नमेंट मतलब चाइना के ऊपर क्या उसका इफेक्ट होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले रीजन हम जानते हैं कि पहला क्वेश्चन कि इंडिया ने डिलीट अगर किया है, बैन किया है, तो क्यों बैन किया। तो इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है कि भाई आखिरकार चाइनीज ऐप्स को बैन क्यों किया गया इंडिया से, तो उसका रीजन है सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्राइवेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि भारत सरकार हमारे देश के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो लद्दाख में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल अभी चल रहा है। तो इंडिया कहीं से भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि इंडियंस के डेटा को किसी भी तरह से चाइनीज गवर्नमेंट अब एक वेपन की तरह यूज़ कर सके। तो इसीलिए एक सिक्योरिटी थ्रेट मानकर चाइनीज जितने भी एप्स थे उन्हें बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। अब इस पे चाइनीज गवर्नमेंट का क्या कहना है जरा वो भी देख लेते हैं। तो इसमें चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि भाई उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया ने चाइनीज ऐप्स को क्यों बैन किया, क्योंकि ये भारत और चाइना के लिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। तो विन विन सिचुएशन जब होती है तो उसमें कभी किसी का नुकसान नहीं होता, तो इसमें क्यों वो चाइनीज ऐप को बैन कर रहे हैं। खैर, उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि हम इस स्टेप को इंडिया के द्वारा जो लिया गया स्टेप है उसे काफी सीरियसली लेने वाले हैं। तो क्या ये पहली बार है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है? तो आंसर है नहीं। यूएसए ने इसके पहले चाइनीज ऐप को बैन किया है। खासकर टिकटॉक की बात हम करें तो टिकटॉक को यूएसए ने एक सिक्योरिटी थ्रेट मानकर बैन कर दिया है। खास करके अपने डिफेंस सेक्टर में जितने भी उनके आर्मी हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, उन सबके बीच बोल दिया गया है कि टिकटॉक को यूज नहीं करना है, फिर इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि उस डेटा का इस्तेमाल चाइना अपने तरफ से किसी वेपन की तरह कर सकता है। तो हम बात करें तो इंडिया से पहले यूएसए ने ऐसा काम किया है और ये पहली बार नहीं है कि टिकटॉक के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट का इल्ज़ाम लगा है और उनके डेटा को मिसयूज करने के ऊपर क्वेश्चंस उठे हैं। इसके पहले 2018 में भी एक बार ऐसा हुआ था कि टिकटॉक के ऊपर डेटा को मिसलीड करने के क्वेश्चंस को अराइज किया गया था। चीन के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने जो कहा है उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया जो भी कर रहा है चाइनीज ऐप्स को बैन कर देना, ये एक तरह से WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स के अगेंस्ट जाता है और ये डिस्क्रिमिनेशन का एक फैक्टर है। तो भाई मुझे एक बात पूछनी है चाइना से कि आपने अपने कंट्री में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बैन कर रखा है, तो आप कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं भाई और हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच फिंगर फोर को लेकर काफी विवाद हो रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया और चाइना के कमांडर्स ने एक मीटिंग अरेंज की जिसमें दोनों ही देश के कमांडर्स उठने का नाम नहीं ले रहे थे। इस वजह से उस मीटिंग को मैराथन मीटिंग कह दिया गया, जिसमें चाइना इस बात पे अड़ा था कि फिंगर फोर को लेकर जो डाउट जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वो चाहता है कि इंडिया दो फिंगर पी चला जाए, फिंगर टू पे चला जाए और चाइना जो है वो भी फिंगर सिक्स पे वापस चली जाएगी। इसका मतलब दो स्टेप आप जाइए पीछे और दो स्टेप हम पीछे जाते हैं, जबकि भारत के कमांडर का कहना था कि नहीं, हम फिंगर फोर पर ही रहेंगे जहां हम थे और आप फिंगर एट पर जाएंगे जहां पे आप थे। तो
तभी इस सिचुएशन को मेंटेन किया जा सकता है। तो इस बात पे जो मीटिंग शुरू हुई थी वो मैराथन की तरह लंबी चलती चली गई और फाइनली क्या रिजल्ट आया वो आपको पता ही है। लेकिन जब ये मीटिंग हुई उसके एक दिन पहले ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि चाइना के 59 ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो मीटिंग होने वाली थी उसके पहले ही इंडिया अपना जो पक्ष है वो मजबूत करना चाह रहा था और फ्रंट फुट से खेलना चाह रहा था। इस वजह से वो पहले ही बता देना चाहता था चाइना को कि हम इस बार रुकने वाले नहीं हैं, अगर आप उधर से हमला करेंगे तो हम उसका डबल हिसाब लगाकर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से उस मीटिंग में फ्रंट फुट पे जमे रहने के लिए इंडिया ने ये स्टेप उठाया था। तो बात यहाँ पे ये आती है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप अचानक से ले लिया, ये मतलब चाइनीज ऐप्स को बैन करने का डिसीजन था वो अचानक ले लिया, या पहले से उसकी प्लानिंग चल रही थी? तो मैं आपको बता दूं ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। तो नरेंद्र मोदी की माई गॉव जो पहले टिकटॉक के लिए कंटेंट बना रही थी अब वो रोपोसो के लिए कंटेंट बना रही थी, मतलब बैन होने से पहले ही उन्होंने अपना ये स्टेप ले लिया था। तो इससे एक हिंट मिल चुका था कि भाई आने वाले टाइम में इंडिया टिकटॉक को बैन करेगा और साथ ही बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बैन करने वाला है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा है, इसका इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है हमें कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो टिकटॉक जो था पहले नंबर 1 डाउनलोडेड ऐप था अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में। तो जब से इंडिया ने टिकटॉक को बैन किया है तब से उसकी रैंकिंग 200 के पार चली गई है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टिकटॉक की रेटिंग किस तरह से खराब हुई है, फाइनली उसे बहुत बड़ा झटका मिला है। इंडिया के अंदर अगर हम कुछ डेटा को देखें तो रिकॉर्ड बताते हैं कि इंडिया के अंदर 119 मिलियन लोगों ने टिकटॉक को इंस्टॉल करके रखा था अपने फोन में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे सिर्फ डाउनलोड नंबर ऑफ डाउनलोड्स की बात करें तो टिकटॉक को 277 मिलियन टाइम्स उसे डाउनलोड किया गया था। एक एस्टिमेशन से यह पता चला था कि टिकटॉक इंडिया में आने वाले एक साल में 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली थी, जो कि अब उनका सपना ही रह गया। आगे हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी टिकटॉक को डाउनलोड्स किए गए थे, जितने भी डाउनलोड्स हुए थे, उसका 1/3 सिर्फ इंडिया में डाउनलोड किया गया था। मतलब मैं आपको बताऊं पूरे वर्ल्ड में जितने नंबर ऑफ डाउनलोड्स होते हैं उसमें से 1/3 इंडियंस थे, इंडिया एक कंट्री है जिसमें डाउनलोड किया गया था एक ही कंट्री से। तो एक बहुत ही बड़ा झटका इंडिया की तरफ से चाइना को दिया गया है जो कि काफी काबिले तारीफ है। तो अगर चाइना की माने तो चाइना अपने देश चाइना में टिकटॉक के 400 मिलियन यूजर्स हैं चाइना के अंदर, और वहां से वो करीब 2500 करोड़ का बिजनेस कर लेता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां 196 मिलियन यूजर्स हैं टिकटॉक के, और वहां से भी एक बड़ा इनकम उसे आता है। उसी तरह से अगर हम बात करें जिस तरह से इंडिया में टिकटॉक ग्रो कर रहा था, जिस तरह से फैल रहा था ये, उस तरह से आने वाले टाइम में बहुत ही कम समय में चाइना को इंडिया पीछे छोड़ देता। बट अब क्या करें, अब तो वो सपना फिर से सपना ही बन गया। और हम बात करें आगे तो फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे तो चाइना और इंडिया एक डिजिटल सिल्क रूट पे काम करने वाले थे। डिजिटल सिल्क रूट ये जो उनका प्रोजेक्ट था उसे भी इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। मतलब अब चाइना के किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल हम लोग अपने यहाँ के डिजिटल मेक इन इंडिया में नहीं कर सकते। आगे हम बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि चाइनीज एप्स ही नहीं, यहाँ तक कि फेसबुक और ट्विटर को भी एक कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर देश के खिलाफ जो भी ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसे फेसबुक और ट्विटर प्रमोट करते हैं, तो अगर वैसा ही होता चला गया, मतलब प्रमोट करते हुए चले गए, तो फाइनली इंडिया को उनके अगेंस्ट भी स्टेप लेने पड़ेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये स्टेप है, ये इंडिया के खिलाफ जाने वाले जितने भी गवर्नमेंट है, चाहे वो यूएसए का ही ऐप क्यों ना हो, उसे भी बैन कर दिया जाएगा। तो ये तो हुई चाइना की बात कि चाइना के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो हमारे देश इंडिया में टेक इंडिया ने कहा है कि ये एक जो चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करना है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है हम सभी के लिए, जिसे हमें फिल करना होगा अपने मेक इन इंडिया सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस बनाकर। तो अगर हम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो जो एम्प्लॉयमेंट टिकटॉक या चाइनीज ऐप्स यहाँ पे लोगों को दे रही थी उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हम लोग जनरेट कर पाएंगे।
तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो टेक इंडिया की तरफ से आ रहा है। यहाँ तक कि हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ ने भी इसकी तारीफ की है, जम के तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि हमें इस टाइम को, इस घड़ी को एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और हमें अपने अपने न्यू स्टार्टअप्स के साथ आना चाहिए बाहर, ताकि हम अपना अपने देश को अपने दिए हुए, अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और चीज़ों से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से लाभान्वित कर सकें। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या इंडिया सिर्फ एप्लीकेशंस को बाइकॉट करके चाइना के अगेंस्ट खड़ा रह सकता है? तो मैं आपको बताऊं, नहीं। अगर उनका अगला क्वेश्चन हम देखें तो उनका क्वेश्चन है कि अगर इंडिया को बाइकॉट ही करना है तो सिर्फ एप्लीकेशन से क्यों, उनके फोन्स भी आप कर दिए, स्मार्टफोन जो भी आते हैं उनके, उनको बाइकॉट कर दिया जाए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनको भी बाइकॉट कर दिया जाए। तो इसी के ऊपर मेरा अगला वीडियो होने वाला है कि क्या इंडिया एक स्मार्टफोन बना सकता है। तो ये मेरे अगले वीडियो का टाइटल होगा और आप उसी वीडियो को देखिएगा, जरूर ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को। उसमें मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि क्या इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एक स्मार्टफोन बना सके जो कि चाइना बनाकर अभी दे रहा है इंडिया को, तो अब हम रिप्लेस कर पाएंगे? शायद, देख लेते हैं। तो बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो